डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मैमथ प्रजाति को दोबारा धरती पर लाने की कोशिश शुरू की है। ये मैमथ प्रजाति आज से करीब 8 लाख साल पहले ही धरती से गायब हो चुकी है। एक रिपोर्ट में इस रिसर्च के बारे में लिखा गया है कि फंडिंग और साइंस की मदद से मैमथ को फिर से धरती पर लाने की कोशिशें शुरू हो रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि लाखों साल पहले गायब होने वाले इस जानवर को वैज्ञानिक 6 साल के अंदर धरती पर लाने की उम्मीद पाले हुए हैं। दुनिया में अमीर इन्वेस्टर बेन लैम और बिजनेस पार्टनर जॉर्ज चर्च इस प्रोजेक्ट के लिए 11 मिलियन पाउंड का फंड करेंगे। आपको बता दें कि लैम और चर्च की फर्म कोलोसल को जीन एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषज्ञता हासिल है। अब वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वो लाखों साल पुरानी कब्र से मैमथ को वापस ला सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत मैमथ के डीएनए से लैब के अंदर भ्रूण की मदद से हाथी मैमथ का हाइब्रिड बनाया जाएगा, यानी इस भ्रूण को सरोगेट या कृत्रिम गर्भ की मदद से विकसित किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इन जानवरों को एशियन हथनी से ब्रीड कराया जाएगा, जिससे ये बर्फ और गर्म दोनों जगहों पर रह पाएंगे। जॉर्ज चर्च ने बताया है कि उनका मकसद भी आर्कटिक जैसे इलाके में जिंदा रहने के लिए सक्षम मैमथ को बनाना है। बताया जा रहा है कि इस रिसर्च का नतीजा 6 साल में आ सकता है। वहीं इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए फंड करने वाले बेन कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि दुनिया से गायब हो चुके मैमथ को फिर से जिंदा किया जाए, और ये मैमथ आर्कटिक की बर्फ में यानी -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी जीवित रह पाएंगे। मैमथ वो सभी काम करेंगे जो हजारों साल पहले के मैमथ किया करते थे। आपको बता दें कि मैमथ इस समय के हाथी से काफी बड़े होते थे। ये करीब 5 मीटर तक ऊंचे और 6 से 8 टन वजनी हुआ करते थे। शरीर पर लंबे लंबे ऊनी बालों वाले ये मैमथ लाखों साल पहले तक रूस के साइबेरिया में घूमते थे। अब उम्मीद की जा रही है कि ये मैमथ एक बार फिर से धरती पर जिंदा होंगे। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।